जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टीचिंग ऑफ इंग्लिश का। ये आपका पार्ट टू रहने वाला है जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम यहाँ पे विथ आंसर राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो बहुत ही अच्छे से ये सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप का ये आपका पूरा सीरीज़ रहने वाला है जिसमें कि हम टॉप फाइव क्वेश्चन को लेने वाले हैं। इससे पहले पार्ट वन में भी हमने टॉप फाइव क्वेश्चन को देख लिया था विथ कंप्लीट डिटेल और आपको आंसर राइटिंग के साथ। इसके साथ अगर आप पहली बार हमारे राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे राजर्षि परिवार का हिस्सा बन जाइए। इसके साथ ही अगर आप यूपी टेट सीटेट या अदर टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारा चैनल आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक होगा आपका, चार नंबर का आपसे शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो ये आपका रहने वाला है पार्ट टू। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, अदरवाइज कमेंट में भी मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे जो है पिन कर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस पोर्शन में जो हमारे टॉप फाइव क्वेश्चन रहेंगे वो कौन से रहेंगे, किन किन क्वेश्चन को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एड्स। टेक्नोलॉजिकल एड्स इन इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग में कौन कौन से एड्स हैं, तो आपको यहाँ पे टू यूजेस बताने हैं। तो आप अपने हिसाब से दो से तीन को प्रिपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि एग्ज़ाम में अगर एक्स्ट्रा भी आए तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहें। तो इसके साथ ही समझेंगे एड्स किसको कहते हैं। इसके साथ ही सिंटेक्स विथ एग्ज़ाम्पल, सिंटेक्स किसको कहते हैं उसके एग्ज़ाम्पल, हाउ टू टेस्ट लिसनिंग स्किल ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट। एक इंग्लिश स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूजिंग मदर टंग, वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको कि हम यूज़ करेंगे। जैसे इंग्लिश को आप लैंग्वेज के तौर पे पढ़ रहे हैं तो मदर टंग का यूज़ क्यों करना चाहिए हमको इंग्लिश को सीखते समय, उसके पक्ष में आपको जो है यहाँ पे बात रखनी है। डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड फ्री कंपोजिशन, तो यहाँ पे अब इसके बाद बात ये आती है कि आपका गाइडेड कंपोजिशन क्या आता होता है और फ्री कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपके मैंने पांच क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में करा दिया है, तो इसीलिए इसकी नंबरिंग यहाँ पर नंबर सिक्स से मैंने की है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जितने क्वेश्चन को कवर करेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में हैं जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको हम नहीं करेंगे, बल्कि उसको मैं आपको बता दूँ। मॉर्फीम हो गया, सिंटेक्स हो गया, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपके कम से कम तीन से चार पार्ट तो बनने ही बनने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर के हैं। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मैंने डिस्कस किया है, 2019 का, 2020 का और 2021 का। उस पेपर को आप ज़रूर देखिए डिस्कशन को, उससे आपको बहुत कुछ ऐसा मैजिकल जानने को मिलेगा कि एग्ज़ाम चूँकि आ गया है, कम टाइम में कैसे आप बेस्ट देकर 85-90% तक आप ला सकते हैं उसको पढ़ने के साथ, किस तरीके से कहाँ से आपको सबसे बेटर चीज़ मिलने वाली है उसके बारे में हमने उस पेपर में डिस्कस किया। तो उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि पेपर डिस्कशन जो प्रीवियस ईयर का होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है, फ्रेमिंग कैसे होगी, आपको क्या क्या चीज़ों को करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में एक रास्ता बताता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है यूजेज ऑफ टू टेक्नोलॉजिकल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश। तो आपको दो पूछा, बट मैंने आपसे बोला कि आप कम से कम तीन से चार के बारे में जानते हैं और आप जानते भी हैं, इस पर कोई उतना बड़ा नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर आपसे टेक्नोलॉजिकल एड कह रहा है तो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये वही आपके एड्स हैं जो कि ऑडियो विजुअल एड्स हैं। टेक्नोलॉजी का जिसमें यूज़ हो जाता है वही टेक्नोलॉजिकल एड्स और वही आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं। तो सबसे पहले ऑडियो विजुअल एड्स की एक डेफिनेशन आपको देनी है। अगर आपके पास बुक है कोई इंग्लिश की, तो आप अगर उसमें आपको कोई ईजी मिल जा रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने लिखा वो भी कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर सेंसिटिव टूल्स एंड इंस्ट्रक्शनल डिवाइस। ये एक सेंसिटिव टूल होता है, और इंस्ट्रक्शनल डिवाइस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन को इम्पार्ट करने में मदद करता है। बच्चों के द्वारा किसी इंस्ट्रक्शन को देना है तो बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं। दे आर हेल्पफुल इन टीचिंग। तो आपको पता है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है इनसे रिलेटेड कम से कम तीन से चार चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ, की वर्ड्स उनको याद रखिएगा हमेशा, कि TLM जो होता है वो आपके जो लर्निंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है,
क्लियर। तो इसके साथ ही इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग और उसको जो है आपका मतलब बच्चे के साथ कनेक्टिविटी करता है, क्योंकि जो टीचर एग्जांपल को निकालते हैं तो वो उनके रियल लाइफ से निकालते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर आते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। जो ऑडियो विजुअल एड्स है बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट करता है। ये बच्चे जैसे है ना कि अगर टीचर क्लास में कुछ नया TLM लेकर आए तो सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कि अरे ये क्या है, ये क्या है, तो उनके अंदर क्या होता है सीखने के प्रति वो उनका पार्टिसिपेशन क्लास में बढ़ जाता है, उसको एक्टिव रखने में मदद करते हैं। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कीवर्ड के तौर पे आपको याद रखनी है। क्यूरियस बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो क्या करता है फैसिलिटेट करता है, क्लियर। इसके साथ ही बच्चे के अंदर मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का जो है वो कराता है। दे आर हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ एसेंट। अब चूंकि ये तो आपके लिए जनरल में मैंने आपको TLM से रिलेटेड जनरल बताया कुछ पॉइंट्स, अब चूंकि हम किसके लिए पढ़ेंगे इंग्लिश टीचिंग के लिए, तो हमारा आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम होना चाहिए। तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में क्या होता है एसेंट, बोलने का तरीका, प्रोनंसिएशन, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, आर्टिकुलेशन, हर वर्ड का अलग अलग आर्टिकुलेशन होता है ना, किसी को हम जीभ से बोलते हैं, किसी को लिप्स से बोलते हैं, तो अलग अलग जो आर्टिकुलेशन है, ग्रामर कैसे यूज़ करना है, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, क्लियर। तो टेक्नोलॉजिकल एड्स की मदद से, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लीजिए सैलून लिंगुआ फोन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या है लैंग्वेज का जो बोलने का तरीका है उसको आप सुनते हैं, ठीक, वो आपके ऑडियो एड्स में आता है लिंगुआ फोन, जब आप उसको सुनते हैं तो उससे आपको सीखने को मिलता है कि उसको प्रोनंसिएशन कैसे करना है हमको उसका। जैसे कि एकदम अगर मैं आपको जनरल लूँ तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको क्या पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ओनियन पढ़ देंगे, बट इसको ओनियन नहीं अनियन पढ़ते हैं, ठीक, क्या पढ़ते हैं अनियन। तो ये क्या है, लिखा कुछ और है बट पढ़ कुछ और रहे हैं, तो ये आपको कैसे पता लगे कि उसको अनियन पढ़ते हैं ओनियन नहीं पढ़ते, जब आप उसको बार बार सुनेंगे, बार बार आर्टिकुलेट करेंगे, क्लियर। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम मिस प्रोनाउंस करते हैं, ये तो बहुत ही मैंने ईजी एग्जाम्पल लिया क्योंकि ये सबको पता है कि भाई प्याज सबके घर में होती है, तो इसको सबको मालूम है कि ओनियन ही बोलते तो अनियन होता है। तो इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजिकल एड्स हैं ये हमारी मदद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग एड, अब यहाँ पे कह रहा है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स एंड टूल्स, अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजिकल एड्स एंड टूल्स आर यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि मतलब कि जैसे पहले के टाइम में क्या था भाई कि कुछ ही एड्स थे जो कि आदमी के लिए महत्वपूर्ण थे, कम एड्स थे, बट आज के डेट में हमारे पास वैरायटी है। आप ऑडियो में 10 लेकर आ सकते हैं, वीडियो में 10 तरीके से कर सकते हैं, बट वो एक्सपेंसिव है। बट आजकल पहले की अपेक्षा रीच में भी बच्चे के बहुत सारे ऑडियो विजुअल न्यू एड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो LSRW है ना, ये इसके लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, बट आपको अपने दिमाग में ना ये चारों स्किल्स को लेकर चलना है कि ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से, यहाँ लिखा ना यूजेस, तो ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से किस तरीके से आपकी ये स्किल्स को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, क्लियर। तो आपको LSRW को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि आपको जिसका, क्योंकि जब आप लैंग्वेज की बात करें, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश, उसमें आपको जो स्किल्स हैं उसी को सिखाना सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें भी लैंग्वेज डेवलपमेंट और आपका लिटरेसी डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत ही LSRW, तो आंसर फ्रेमिंग के तहत इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल आपके टेक्नोलॉजिकल एड्स के, जैसा मैंने आपको बताया कंटेंट आपको कम बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें से छांट भी सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं कि सोचेंगे 4 नंबर में हम क्या डेफिनेशन लिखें, डायरेक्ट हम उसका यूज़ लिख दें 4-5, तो वो भी तरीका सही है। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो वो भी तरीका बहुत अच्छा है। तो मेरा काम है आपको कंटेंट प्रेजेंट करना और उसको एक बेटर तरीका बताना, बाकी लिखना आपकी अपनी जो है स्वेच्छा पर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजिकल एड्स क्या है, टेलीविज़न हो गया, LCD, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, टैबलेट और कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजिकल एड्स हैं, जो मेनली टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो सारी चीज़। इसके बाद आपका है ऑडियो एड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने अलग किया है ऑडियो को, अलग किया है वीडियो को, अलग करके बताया है। ऑडियो में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, CD, DVD, ये क्या है आपके ऑडियो में है। विजुअल में टेक्स्ट बुक, पिक्चर्स, मैप, जनरल्स, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीज़ें। अब ये याद रखिएगा कि आपको 2 का एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ पे आप जो 2 का एग्जाम्पल देंगे, अब मान लीजिए आपने TV या मान लीजिए आपने फिल्म स्ट्रिप
कंप्यूटर का दे दिया, कंप्यूटर या फिर रेडियो का दे दिया, तो आपको ये बताना है कि कंप्यूटर किस तरीके से उसमें वर्क करता है, किस तरीके से आपकी जो चार स्किल्स अभी यहाँ पे बताई ना, इन चारों के चारों स्किल्स का किस प्रकार से वो डेवलपमेंट करता है, ये चीज़ आपको लिखनी ही लिखनी है। इसके साथ ही कंप्यूटर में भी आप ये एक देख रहे हैं कॉल जिसको कह रहे हैं, इसको ज़रूर लिखिएगा, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, जिसके तहत कंप्यूटर के तहत हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम मैंने बनाया है कि लर्नर है और ये आपका कंप्यूटर है और यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, बीच में कौन है, कंप्यूटर लर्नर के और उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बीच में जो है कंप्यूटर है। यहाँ पे या तो आपके दोस्त भी हो सकते हैं और आपके टीचर भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर? तो आपने कंप्यूटर का जैसे आप कॉल लिख सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, वैसे अगर आप टेप रिकॉर्डर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि टेप रिकॉर्डर के तौर पे, तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि टेप रिकॉर्डर की आप कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, टेप रिकॉर्डर नहीं, अगर आपको पता क्या होता है तो टेप रिकॉर्डर जो है इसमें साउंड को रिकॉर्ड करते हैं मैग्नेटिक टेप पे, जैसा कि रिक्वायर्ड होता है, ठीक, और उसको आप काफ़ी बार रिपीट करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे टेप रिकॉर्डर की मदद से आपको वोकैबुलरी की इन्फॉर्मेशन होती है, ग्रामर की, प्रोनंसिएशन की, इंटोनेशन, रिदम, स्ट्रेस और पिच, इन सभी चीज़ों का आपको प्रॉपर तरीके से पता लगता है कि कौन सी चीज़ को कब यूज़ करना है, किस वर्ड को कैसे हमको प्रोनाउंस करना है। क्लियर? टेप रिकॉर्डर भी आपके दो प्रकार से होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। ये कुछ जो है एडिशनल में तथ्यात्मक जानकारी थी आपके लिए। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है आज का। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, डिफाइन सिंटेक्स विथ एग्जांपल। तो सिंटेक्स किसको कहते हैं, तो एकदम सामान्य भाषा में याद रखिए कि सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकल रूल्स, कि जिसमें कि जैसे सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया फिर ऑब्जेक्ट लगाया, जो एक तरीका होता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर इसको रखना है, फिर इसको, वही चीज़ आपको सिंटेक्स में अप्लाई करनी होती है, ठीक। देखिए सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द वे वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, ठीक। एक रूल गवर्निंग सिस्टम होता है कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के किस तरीके से किस वर्ड को कहाँ रखना है कि वो एक प्रॉपर सेंटेंस हमको दे दे, वही आपका सिंटेक्स होता है। एक लाइन में कहें तो इट इज़ अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वर्ड्स का और फ्रेजेस का। इंग्लिश फॉर्मेट में बात करें तो इट फॉलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो इसी के फॉर्मेट में तो बनाते हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसमें वर्ब लगाएंगे क्या कर रहा है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ठीक। सिंटेक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, स्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्ड, सिंटेक्स स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, ग्रामेटिकल रूल्स, ये कुछ वर्ड्स है, कीवर्ड्स, जिनको आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? अब देखिए, अब चूंकि आपसे पूछा है एग्जाम्पल के साथ, तो ये है आपका वो एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सेंटेंस है, तो सेंटेंस में हमने एक नाउन फेज बनाया, एक वर्ब फेज बनाया। अब नाउन में मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, तो नाम हमने दिया टॉम, जो कि नाउन है। वर्ब में वो क्या कर रहा है, पुशिंग का काम कर रहा है, पुश्ड। फिर वर्ब फॉर्म में भी एक आपका वर्ब का हो गया, अब इसमें भी एक नाउन फेज आता है जिसमें द और कार, द क्या है आपका डिटरमिनर है, और फिर कार वापस से आपका नाउन हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ एक शब्द बन गया, टॉम पुश द कार। क्लियर? तो एक सिंटेक्स हमने जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लगा करके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार से हम करते हैं। क्लियर? नाउ हाउ कैन यू टेस्ट लिसनिंग स्किल ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट, आप कैसे एक इंग्लिश स्टूडेंट के लिसनिंग स्किल को टेस्ट करेंगे, आपके पास कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टेस्ट को डिफाइन करेंगे, भाई टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर इवेल्युएशन प्रोसेस, मतलब कि टेस्ट एक तरीके से टेक्निक होता है जिससे कि हम इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं जो कि हमारे मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो हमें क्यों ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस द लर्निंग आउटकम ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, दैट इज़ LSRW। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया और पूरे वीडियो में बता रही हूँ और आगे भी बताऊँगी कि लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई स्किल्स को अपने दिमाग से बिल्कुल भी हटने मत दीजिए, ठीक। जो आपकी स्किल्स हैं उनको बिल्कुल भी दिमाग से हटने मत दीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में स्किल्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। तो LSRW को भूलिए नहीं, जो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, मिला जुला के सब लोग क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। क्लियर? टेस्ट फॉर लिसनिंग स्किल ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट, अब आपके पास कौन कौन सा टेस्ट है कि आप कर सकते हैं। यहाँ आपको इस तथ्य को भी ध्यान देना है कि जब आपने LSRW को पढ़ा था,
जब आपने LSRW को पढ़ा था तो यहाँ पे जो लिसनिंग था और जो आपका रीडिंग था ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स थे, वाइल जो आपका स्पीकिंग था और जो राइटिंग था वो आपका क्या था, प्रोडक्टिव स्किल्स था, क्योंकि आप इससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये क्या था, रिसेप्टिव स्किल्स है, ग्रम्यात्मक कौशल जिसको हिंदी में कहते हैं, जो कि क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को जो है क्या करते हैं, ग्रहित करते हैं। तो देखिए, अब जो सबसे पहला हमारे पास टेस्ट है लिसनिंग स्किल का, वो सबसे पहला है हमारा मल्टीपल चॉइस क्विजेस। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका है तो इजी, बट इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्विजेस। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे की सुनने की क्षमता आपको जाँचनी है, ठीक, समझ में आया, बच्चे की सुनने की क्षमता कि वो कितना अच्छे से सुन पा रहा है। तो मल्टीपल चॉइस क्विजेस में क्या होगा कि हम जो है MCQ बच्चे से पूछेंगे और फिर देखेंगे कि बच्चा उस चीज़ को जो हम पूछ रहे हैं उस चीज़ को समझ पा रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं, ठीक। जैसे यहाँ पे इसमें मैंने एग्जांपल भी लिखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन idiom इज दैट वाज यूज्ड इन द रिकॉर्डिंग। अब जैसे कि मैंने बच्चे को कोई एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जैसे मान लीजिए यही एक रिकॉर्डेड उसमें चल रहा है, तो आपको इसमें ऑडियो वीडियो के रूप में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ऑडियो के रूप में मेरी आवाज़। तो अब इस आवाज़ में मान लीजिए मैंने कोई idioms बोल दिया और बच्चे को सिर्फ मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई और बोला कि अब इस idiom का मतलब बताओ, और उसको MCQ क्विजेस के फॉर्मेट में दे दिया ये या ये ये, तो अगर बच्चे ने उस चीज़ को ध्यान से सुना होगा तभी वो उसका आंसर प्रॉपरली कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ योर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है कि ओपन एंडेड में क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है आपके दो प्रकार से होते हैं, एक ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एंडेड जिसका आंसर फिक्स्ड होता है, उसको चाहे कोई भी बच्चा बताए वो आंसर एक ही रहेगा, ठीक। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि उसके आंसर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में हमको वैसे क्वेश्चंस को पूछना है वाई वाले क्वेश्चन, जैसे कि वाई डिड द मैन नॉट हैव टाइम फॉर ईटिंग लंच, कि उस आदमी के पास क्यों समय नहीं था कि वो लंच करे। तो जब ये क्यों आता है, तो जब बच्चे ने उस चीज़ को रिसीव किया, आपके द्वारा दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन है, तभी वो इस चीज़ को बता पाएगा, ठीक। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आपका टेस्ट करने के लिए है वो है हु सेड व्हाट, किसने क्या कहा। तो जैसे जो आपने बचपन में ऐसे पढ़े होंगे, जो आपके स्टोरी टेलिंग वाले जो चैप्टर्स होते हैं जिसमें अकबर, बिरबल और कोर्टियर बहुत सारे जो है आपको नाम दे देते हैं, अब उसमें किसने क्या कहा, तो वो जब आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप उसको क्लियरली सुनेंगे नहीं। Which statements are true, इसमें से कौन से statement true है, अब आप बच्चे से क्लास में पूछ रहे हैं तो वो तब तक नहीं बता पाएगा कि कौन सा statement सही है जब तक वो सुनेगा नहीं। तो मिला जुला के आपको उसके साथ ही एक और है आपका dictation, जिसको हम हिंदी में इमला भी कहते हैं, जो छोटे क्लासेस में बहुत बार हमको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिक्टेशन भी आपका है। तो मिला जुला के जो टोटल आपको चीज़ देखनी है वो ये है कि आपको वो कोई भी टेस्ट जिससे कि बच्चे की लिसनिंग स्किल प्रभावित हो रही है, जिसमें लिसनिंग इन्वॉल्व्ड है, आप ऐसे कोई भी टेस्ट का नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 टेस्ट का नाम बताया है, इसके आगे अगर आप चाहें तो आप और भी अपने से एड ऑन कर सकते हैं। अब देखिए, टेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, तो आप इन टेस्ट की मदद से भी, जो यहाँ मैंने ये लिखा है, इन टेस्ट की मदद से भी बच्चे के जो 4 स्किल्स हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चन में आपसे चूंकि लिसनिंग पूछा था, अगर आपसे रीडिंग पूछ दे तो रीडिंग के लिए आप कौन सी स्किल का यूज़ करेंगे, तो ये जो टेस्ट है ये सब में कॉमन रहेगा और बाकी आंसर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहला क्या है आपका, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये पता करना कि बच्चे के अंदर गैपिंग कहाँ पे आ रही है, ठीक। तो ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट इज योर अचीवमेंट टेस्ट, कि आपने अगर उसको लिसनिंग स्किल पे आप सिखा रहे हैं तो वो कितने, किस हद तक सीख पा रहा है। प्रोग्रेस टेस्ट, पिछले के कंपैरिजन में जो अगला टेस्ट या अभी का टेस्ट हो रहा है उसमें बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, बढ़ रहा है, घट रहा है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको निपुणता या दक्षता कहते हैं, कि उस क्षेत्र में उसकी मास्टरी कैसी है। प्लेसमेंट टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। तो ये प्रकार कई सारे होते हैं जो टेस्ट के होते हैं, कि टेस्ट आप कई प्रकार से ले सकते हैं। हर टेस्ट की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि एक टेस्ट को हम सबके ऊपर अप्लाई कर दें, इसीलिए आपको टेस्ट में भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ और डिस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये आपके टेस्ट से रिलेटेड थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूजिंग मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अब इसको समझने से पहले आपको एक तथ्य समझना हो, चूँकि क्वेश्चन काफ़ी ये सिंपल है, इसमें आप भी अपने से आसानी से पॉइंट को इसमें ड्रॉ कर सकते हैं कि मदर टंग को आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ सीख रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। हमने भी तो वैसे ही सीखी अपनी मदर टंग का यूज़ करके, पहले जो टारगेट लैंग्वेज है यहाँ पर इंग्लिश है, तो इंग्लिश को ले लीजिए कि इंग्लिश को सीखा है, मतलब कि पहले हमको कोई सेंटेंस हमारे लैंग्वेज में सिखाया गया मदर टंग में, और उसके बाद हम उसको उस आधार पे क्या किए, इंग्लिश में चेंज किए। तो क्या क्या चीज़ें हुई, सबसे पहली चीज़ कि ये क्या करती है, आपको आपके कल्चर के साथ जोड़ती है, मतलब कि उस लैंग्वेज के बारे में जो चीज़ वो कहना चाहता है, कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज जो मदर टंग हमारी है, लिंक के रूप में काम कर रही है, कम्युनिकेशन में हमको जो है अच्छा करती है, उस लैंग्वेज के साथ हमारा संबंध अच्छा बनाती है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कि ये पर्सन है कोई और आप ये हैं, अब आपने इस पर्सन के साथ आपका और इसका संबंध जो है बिल्कुल घरेलू है, पारिवारिक संबंध है, और ये कोई तीसरा व्यक्ति है, ठीक, ये कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके घर से बिलोंग नहीं करता, ये बाहर से बिलोंग करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो ये व्यक्ति का है, मतलब जो आपकी मदर टंग है, जो आपके साथ बिल्कुल पारिवारिक है, ये किस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ कर रही है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ की जाती है वो क्या की जाती है, जो थर्ड पर्सन है ना, इस थर्ड पर्सन को इनके साथ एसोसिएट करके तब आपके साथ बताया जाता है, डायरेक्टली आपको ये नहीं सिखाया जाता है, पहले आपको उसके साथ एसोसिएट करवाया जाता है। तो यहाँ पे मदर टंग के जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज द टीचर्स यूजेस मदर टंग कैन इन्फ्लुएंस द लर्नर एक्विजिशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। बच्चा जब टीचर के सामने देखता है, बैठता है, टीचर को अपना आइडियल मानता है, तो टीचर के द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, टीचर कभी हिंदी में बोल रहा है, फिर टीचर उन शब्दों को इंग्लिश में बोल रहा है, तो बच्चे को अच्छा लगता है कि टीचर हमारे बोल रहे हैं, बात करें, तो बच्चा भी उस चीज़ को सीखता है और टीचर भी उसके लिए उसको मोटिवेट करते हैं। क्लियर, फर्स्ट जो आपका है मदर टंग के फेवर में हमारा पहला, वो है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चा पढ़ाई से भागे ना, बच्चा पढ़ाई को बोझ ना समझे, उसके लिए बहुत पॉलिसीज़, बहुत प्रोग्राम्स किए जाते हैं। बच्चे के अंदर बचपन से ही स्कूल न जाने का डर समा जाता है, क्यों, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ समझ में आएगी तो उससे आप एक्टिव जो है नहीं रह पाएंगे, तो वही केस बच्चे के साथ होता है। और जब आप बच्चे के साथ, जैसा मैंने आपको पर्सन वाली कहानी अभी बताई, अगर आप एसोसिएट कर पाएँ कि नहीं तो मेरे जानने का ही है, तो उस पर क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, और जब आपको समझ में आएगा तो आपको स्कूल जाना भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज़ योर इमोशंस। इमोशंस जो है, चूँकि आपको पता है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो कोई भी हो, उसके साथ हमारा जुड़ाव कहीं ना कहीं अचेतन स्तर पर होता है, आपको पता हो या ना पता हो, आप भले उस लैंग्वेज के लिए स्टैंड न लें, बट चार लैंग्वेज के बीच में अगर आपको चुनने को कहा जाए तो आप उसके लिए, जो आपकी मदर टंग है, आप उसके लिए स्टैंड करोगे, और करना भी चाहिए भाई, अपनी मदर टंग अपनी होती है, और हमको इसके साथ ही अपने मदर टंग के लिए रिस्पेक्ट रखना, उसके लिए स्टैंड लेना एक अलग बात है, बट किसी दूसरे के मदर टंग या लैंग्वेज को नीचा दिखाकर नहीं, ये बहुत गलत बात है। हमको सबकी, जैसे हमारी वैसे सबकी मदर टंग होती है, तो लैंग्वेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट जो है कुछ बहुत ही उस स्टेज तक हो जाता है कभी कभी, तो इमोशनली जो है हम जुड़े होते हैं मदर टंग के साथ ही, बट वही है कि फिर हमको उसका यूज़ करके कहीं ना कहीं इंग्लिश को बताया जाता है। तो दूसरा तो ये फेवर है कि अगर हम बच्चे को मान लीजिए नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चा उस लैंग्वेज से इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, तो उसको सब चीज़ आर्टिफिशियल लगेगी। थर्ड इज़ द थिंकिंग प्रोसेस। छोटे बच्चों का तो पता नहीं, बट हम तो आज के डेट में भी अगर कोई चीज़ मुझे इंग्लिश में बनानी है तो सबसे पहले मैं उसको इंग्लिश में जो है हिंदी में सोचती हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं लिखती हूँ, कुछ मान लीजिए मैं गूगल से लेती हूँ, कुछ किताबों से लेती हूँ, कुछ खुद से भी लिखती हूँ, तो जो चीज़ मैं लिखती हूँ सबसे पहले वो मेरे दिमाग में हिंदी में ही आता है, क्यों, क्योंकि हमारा वो लैंग्वेज है, हमारी वो मदर टंग है, उसको आप कैसे भी करेंगे, क्या आपके सोचने का तरीका कभी इंग्लिश में होता है, नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देखिए, आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, आपके सबसे पहले आपके दिमाग में हिंदी इंटरप्रेट होती है, बाद में हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। आपको कोई एक्सप्रेस करना है, आप कितने ही रोने वाले हैं, किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुना, आप इंग्लिश में नहीं सुना सकते, फीलिंग ही नहीं आएगी। तो जो थॉट प्रोसेस है वही हमारे पूरे रग रग में हमारे रीजनल लैंग्वेज से भर जाता है, तो वो आपको कनेक्टिविटी कराने में मदद करती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी थिंकिंग, जो क्रिएटिविटी है, सोचने समझने का तरीका है, तर्क करने का क्षमता है, वो बचपन से ही
स्टॉप हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होम स्कूल पार्टनरशिप, आपको पता है कि मदर टंग होगा, सबके पेरेंट्स तो पढ़े लिखे होते नहीं ना हैं, तो जब बच्चा स्कूल में जा रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट भी उसको फैमिलियर लग रहा है और घर का भी, तो क्या होगा इससे जो स्कूल है और जो घर है उसका बॉन्ड मजबूत होगा, और जब बच्चे को घर और स्कूल में अंतर नहीं समझ में आएगा तो वो बहुत इन्जॉय के साथ लर्निंग करेगा। कनेक्टेड टू टेक्स्ट बुक, इसके साथ ही आपको पता है कि जो टेक्स्ट बुक है वो एकमात्र सोर्स तो होता नहीं है किसी भी बच्चे के नॉलेज का, बट अगर आप उसको उसके मदर टंग में बताते हो टेक्स्ट बुक में ऐसी चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा टेक्स्ट बुक के करीब आएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसमें अपने लाइफ में घटित होने वाली घटनाएं नज़र आएंगी, और वो घटनाएं उसको कैसे समझ में आएंगी, जब उसकी मदर टंग में होंगी तभी समझ में आएंगी। इसके साथ ही कल्चरल कनेक्टिविटी भी बढ़ती है बच्चे की, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ ही और भी कई सारे पॉइंट्स आप खुद से भी बनाइए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, मदर टंग का आपको पूछा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस भी हैं, तो इसमें अपने से भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, बाकी जो पॉइंट मैंने लिखा है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन गाइडेड कंपोजिशन एंड फ्री कंपोजिशन। देखिए बहुत सारे इसको जो है आप ये चीज़ लिख लीजिए कि ये आंसर ऐसा नहीं कि मैंने किसी बुक से लेकर छाप दिया, ये आंसर मेरे खुद के हैं जो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च के बाद किया है। अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप किसी भी वेबसाइट से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे यूट्यूब का हो, कहीं से भी आप ले लीजिए, आपको डिफरेंस ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। मैंने खुद रिसर्च सर्च करा कि नहीं ऐसा कंटेंट है तो, बट वो नहीं मिला, और जो है भी तो वो प्रैक्टिकलिटी से बहुत वो है कि उसको या तो समझ में नहीं आएगा या वो बच्चे के लेवल का नहीं है, तो इसको जो है काफ़ी उसके साथ, इसलिए आपका टाइम बचे तो इसको ऑथेंटिक तरीके से मान करके, अच्छे से याद करके, और उसमें खुद का पॉइंट आप ज़रूर हर आंसर राइटिंग में अपने इन्वॉल्व करिएगा, ठीक। और अगर आप नोट्स बना रहे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपको सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे में आपको समझ में आएगी। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपसे पूछे गाइडेड कंपोजिशन और फ्री कंपोजिशन के बीच में डिफरेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ बतानी है वो है कंपोजिशन क्या होती है। तो कंपोजिशन क्या है कि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं, आपने उसको रिटन फॉर्म दे दिया, दैट इज़ कंपोजिशन, ठीक। सो लेट्स सी, कंपोजिंग ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन सम आइडियाज़, कुछ आइडिया है उसको सेंटेंस में फॉर्म कर दिया। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, ध्यान से देखिए, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, ये क्या है, सेंटेंसेस का कलेक्शन है, स्पन अराउंड वन आइडिया। स्पन मतलब होता है, स्पिन होता है ना, तो उसका सेकेंड फॉर्म या यूज़ के स्पन, जो कि क्या करता है, घूमता है एक आइडिया के इर्द गिर्द। अब मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, अब मैंने उसको राइटिंग के रूप में, कंपोजिशन के रूप में लिख डाला, उसको पिरो डाला, बिल्कुल वो वाली चीज़ है आपका कंपोजिशन। अब कंपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, कंपोजिशन आपके कई प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्टिव एक्सरसाइज, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन एंड देन क्रिएटिव राइटिंग, ठीक। तो कंपोजिशन आपकी कई प्रकार से हैं, रिप्रोडक्टिव, गाइडेड, फ्री, क्रिएटिव, रिप्रोडक्टिव, गाइडेड, फ्री और आपका क्रिएटिव, इसको याद रखिए। अब देखिए कंपोजिशन जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, कंपोज, जिसका मतलब होता है पुट टुगेदर, एक साथ रखना, ठीक। तो इसको भी आप लिख लीजिए, कंपोजिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंपोज विच मीन्स पुट टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका भले डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड फ्री कंपोजिशन है, बट इसमें आपका एक क्वेश्चन और मैंने इन्वॉल्व किया है, जैसा कि पेपर डिस्कशन में मैंने आपको बताया भी था। अपने पेपर डिस्कशन वाला सेशन नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखी है, तो कमेंट में भी पिन कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिए। आपके गाइडेड और फ्री से पेपर में क्वेश्चन पूछा है, इसके साथ ही एक साल के पेपर में आपसे मीनिंग और प्रोसेस भी पूछा है गाइडेड कंपोजिशन का। तो मैं अभी आपको डिफरेंस भी बताऊँगी और यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस भी बता रही हूँ गाइडेड कंपोजिशन का। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत हैं। तो देखिए, और गलती क्या होता है ना कि अगर आपके 19-20 वाले पैटर्न पे दे दिया तो 10 के 10 ही क्वेश्चन देंगे और आपको करना ही करना, अगर आप छोड़े तो आपके 4 नंबर गए। और बहुत लर्नर्स को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, जैसे ये टॉपिक आपका हो गया मॉर्फोन्स का हो गया, और उसके साथ ही आपका सुप्रा सेगमेंटल और सेगमेंटल का हो गया, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते हैं टॉपिक को। तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देख करके समझिएगा, डिफरेंस को क्लियर करिएगा। अब देखिए, इसीलिए मैंने इसी क्वेश्चन में आपके प्रोसेस को भी इन्वॉल्व किया है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रोसेस क्या है गाइडेड कंपोजिशन या टीचिंग कंपोजिशन के, सबसे पहला है प्री कंपोजिशन स्टेज। प्री का मतलब पता है आप सभी लोगों को क्या होता है, पहले। प्री कंपोजिशन में क्या है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, तो
उसके पहले का स्टेज। अब भाई जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होने वाला है तो पूजा पाठ के पहले सामग्री को एकत्रित करना होगा कि नहीं, जिससे हम बनाएंगे। अब रंगोली बनाना है तो बस माइंड में रखने से पहले रंग वंग लागे भी तो रखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है कि भाई राइटिंग लिखने से पहले आपको वोकैबलरी, वर्ड स्ट्रक्चर, आइटम्स, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी, आपको बताई जाती हैं। ये स्टेज होता है प्री कंपोजिशन का, कि प्रेजेंटेशन के पहले वाला स्टेज। नेक्स्ट इज योर ओरल कंपोजिशन स्टेज। अब एक बार उसको जो है ओरली बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। अब ये टीचर द्वारा भी की जा सकती है और अगर बच्चा खुद से कर रहा है तो भी। अब आप कहेंगे कि मैम दोनों लोग कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है कि गाइडेड जो होता है वो किसी के गाइडेंस में की जाने वाली कंपोजिशन है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो किसी के गाइडेंस में की जाने वाली जो राइटिंग है। और फ्री कंपोजिशन जो है क्या है कि वो जब लर्नर खुद से करता है, इसीलिए जब इसका ओरल कंपोजिशन होगा ना तो टीचर अगर कराए तो टीचर बच्चे को ओरली समझाएगा कि स्ट्रक्चर ये है। और अगर स्टूडेंट या लर्नर या जो लिखने वाले कंपोजर हैं वो खुद से कर रहे हैं तो खुद से वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, ओरली समझेंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट जो इसका है वो है रिटेन कंपोजिशन स्टेज। अब ओरल तो समझ लिया कि कहाँ कौन से चीज़ों को करना है, इसके बाद रिटेन कंपोजिशन स्टेज आएगा। यहाँ पे भी टीचर है तो टीचर बच्चों को करेगा और स्टूडेंट है तो अपने से तो करेगा ही। नेक्स्ट इज योर करेक्शन वर्क। इसके बाद रिटेन करने के बाद उसमें से काट छाट करेंगे कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग चीज़ बैठ नहीं रही है, वोकैबुलरी सही बैठी है कि नहीं, वर्ड्स का सही फॉर्मेशन है या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये आपके जो है चार स्टेप्स हैं जो किसके हैं, आपके गाइडेड कंपोजिशन के। तो जल्दी से चारों स्टेप को याद कर लीजिए क्या क्या है। सिर्फ चार स्टेप हैं आपके प्री कंपोजिशन। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि आपके कंपोजिशन भी चार प्रकार के होते हैं, गाइडेड कंपोजिशन के प्रोसेस या स्टेप्स भी चार होते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, प्री कंपोजिशन स्टेज, प्री कंपोजिशन स्टेज। नेक्स्ट इज योर ओरल, उसके बाद रिटन, उसके बाद करेक्शन वर्क। ठीक, प्री कंपोजिशन, ओरल, रिटन, करेक्शन वर्क। अब आते हैं हम डिफरेंस पे। अब देखिए डिफरेंस में मैंने आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक बनाई है, तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। इसके साथ ही अगर आपसे डिफरेंस के अलावा अगर सिंगल भी पूछ देता है तो भी आप इनकी मदद से बहुत ही अच्छा आंसर लिख लेंगे। देखिए पहले मैंने आपको एक बता दिया कि एक जिस्ट के रूप में आप समझ लीजिए, गाइडेड कंपोजिशन जो है किसी के गाइडेंस में किया जाने वाला कंपोजिशन है। तो अब आप पहले खुद से सोचिए कि अगर किसी के अंडर में आप कोई कार्य करते हैं तो वो आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं देगा, कहीं ना कहीं आप उसके कंट्रोल में होंगे। तो जब आप उसके कंट्रोल में हैं तो वो जितना चाहेगा आप उतने ही कार्यों को करेंगे, वो जितना बताएगा आपको उतना ही करना है, अपने मन से नहीं करना है। एक तरीके से ओनर बैठा हुआ है और वो आपको क्या कर रहा है, बता रहा है, सब चीज़ है। तो यही गाइडेड है और ठीक इसका उल्टा फ्री हो जाता है। अब आइए हम अपना देखते हैं। आपको इसमें याद रखना है जो सबसे पहली चीज़ वो गाइडेंस। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको जितने भी वीडियोस पढ़ाए हैं जहाँ भी डिफरेंस आता है कहीं भी, तो मैं कभी भी उसको जो है आपको पैराग्राफ में नहीं बताती हूँ। मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं उसको, ये चीज़ें करने में बहुत टाइम लेती है, जब आप उसको बार बार स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो ना, कि उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो टेक्निकल वर्ड को आप निकालोगे तो वो आपका पूरा के पूरा आंसर भी एज इट इज़ रहेगा और लर्नर को समझ में भी आएगा, तो वो चीज़ टाइम लेती है। तो ये क्या है कि आप इसका फ़ायदा लीजिए कि जैसे गाइडेंस हो गया, तो गाइडेंस में क्या है, गाइडेड कंपोजिशन है तो गाइडेंस है। अब आपने सिर्फ ये एक कीवर्ड याद किया गाइडेंस और आपका एक पॉइंट हो गया, जो कि आप गाइडेड में भी लिख सकते हैं और फ्री कंपोजिशन में भी लिख सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड आपने सिर्फ गाइडेंस हो गया, कंट्रोल आपने जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर आपको गाइड करेगा तो आप उसके अंडर में ही तो हो, तो कंट्रोल्ड कंपोजिशन भी इसको कहते हैं। तो इसको कंट्रोल करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अनकंट्रोल्ड कह देंगे या फ्री हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ फ्रीडम, तो जहाँ पे अगर आप किसी के वश में हो, मतलब वश में इन द सेंस कि अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो आपको कितनी फ्रीडम मिलेगी, आपको भी पता है कितनी मिलेगी। ठीक, तो फ्रीडम इसमें उतनी नहीं होती। एक्सरसाइज, कौन कौन से इसके जो है हमारे पास चीज़ें हैं कि जो हम इससे बना सकते हैं, कर सकते हैं, एज आप इसको एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, आप इसको एग्जांपल भी कह सकते हैं। तो इससे ईजी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ना कोई इतना एनालिसिस करके कोई भी डालता है आज के समय। मैंने खुद भी वीडियोस देखी हैं उसकी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं सिर्फ और सिर्फ कहीं का कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके उसको कर देते हैं। तो देखिए गाइडेड में आपको चार चीज़ें याद रखनी जो मैंने आपको बताई हैं। पहला है आपका गाइडेंस, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है फ्रीडम और चौथा एग्जाम्पल या एक्सरसाइज। ठीक, गाइडेंस, कंट्रोल, फ्रीडम। अब हम इसी से जो है अभी डिफरेंस करेंगे और इसी से आप मीनिंग भी लिखेंगे। देखिए
पहली चीज़ तो ये टीचर द्वारा प्रोवाइड होता है, आपको पता है गाइडेंस तो किसी न किसी के अंडर में है, तो टीचर यहाँ पे आप लिख दीजिए टीचर इज़ एब्सेंट। एक पॉइंट गाइडेंस क्या है, पीपल आर गिविंग अ लॉट ऑफ गाइडेंस रिगार्डिंग टू आइडियाज़ वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस इन लैकिंग इन फ्री कंपोजिशन, इस केस में प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड कंपोजिशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोजिशन, या फिर लर्नर्स आर फ्री टू मेक आइडियाज़ वोकैबुलरी, लर्नर को जो अच्छा लग रहा है जितना अच्छा लग रहा है वो कर सकता है। तो यही जो फ्रीडम वाली बात है ना, तो यहाँ अब फ्रीडम में जो है कि गाइडेड कंपोजिशन में आपको न तो वर्ड्स को यूज़ करने की फ्रीडम होती है, ना स्ट्रक्चर को, ना अपने मन से आप आइडिया लगा सकते हैं, आपको जितना टीचर ने बोला आपको उतना ही करना है। बट आपके फ्री कंपोजिशन में यू आर फ्री टू यूज़ वोकैबुलरी वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर फ्री टू यूज़ द वर्ड्स स्ट्रक्चर्स एंड आइडियाज ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे टोटली डिपेंडेंसी लर्नर के ऊपर होती है। इसके साथ ही गाइडेड में लेंथ को भी डिसाइड करने वाला टीचर होता है, जो गाइडर है वो होता है, जबकि इसमें लेंथ आप अपने मन से कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज, तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो। अब अगर आपसे गाइडेड भी पूछ देगा, तो अगर आपसे सिर्फ गाइडेड भी पूछता है, तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ करके गाइडेड को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखने से आपको 2 से 3 फायदे होते हैं। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्या क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो गाइडेड कंपोजिशन में ट्रांसक्रिप्शंस, एक्शंस, डिक्टेशन, सब्स्टिट्यूशन टेबल, पैरेलल सेंटेंस एंड प्रोड्यूसिंग अ स्टोरी, जो 2-3 आपको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा से समझ में आ रहा है, या जो लग रहा है कि नहीं ये आसान है, उसको लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि इतने आप लिखें, 2-3 भी आपके काफ़ी हैं। फ्री कंपोजिशन में तो आपने सुना ये बचपन से करती हैं, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, समराइजिंग एंड नोट टेकिंग, कि जिसमें आपके अपने खुद के ओन विचार लगते हैं कि लिखो भाई जो मन करे वो लिखो, वो वाली चीज़, और जिसमें आपको टीचर की गाइड रहती है कि नहीं डिक्टेशन जो टीचर बोलेगा वही लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना वरना नंबर ही नहीं देंगे। सब्स्टिट्यूशन टेबल, आपको वर्ड्स को बीच बीच में गायब कर दिया, सब्स्टिट्यूट करना है, बट उसमें ऊपर मैडम ने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है कि भाई यही यही वर्ड्स होंगे, इसके अलावा अपने मन से नहीं जोड़ना। ठीक, स्टोरी को भी रिप्रोड्यूस करना है तो वो भी टीचर बताएंगे कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके क्या हैं, एक्सरसाइज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये आपके आज के जो है 5 क्वेश्चंस थे जिसमें मिलाइए, अगर आप सही से देखिए तो हमने 5 नहीं बल्कि 6 to 7 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। इसके साथ ही जो है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। Part 3 जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको अपलोड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।